स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू राइम, ब्रश योर टीथ। सो लेट्स टेक आउट पेज नंबर 4 फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। आई विल रिसाइट द पोएम एंड यू विल लिसन केयरफुली। ओके, लेट्स लिसन एंड सिंग। ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश देम एवरी डे। Brush, brush, brush your teeth, brush them every day. Father, mother, brother, sister, brush them every day. Comb, comb, comb your hair, comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. Wash, wash, wash your face, wash it every day. Father, mother, brother, sister, wash it every day. I will repeat it again. Brush, brush, brush your teeth, brush them every day. Father, mother, brother, sister, brush them every day. Comb, comb, comb your hair, comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. Wash, wash, wash your face, wash it every day. Father, mother, brother, sister, wash it every day. Brush, brush, brush your teeth का मतलब है ब्रश करें, अपने दांतों को रोजाना ब्रश करें, और सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि अम्मी, अबू, भाई, बहन, सब लोग रोजाना ब्रश करें। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। फादर कहा जाता है अब्बू को, मदर कहा जाता है अम्मी को, ब्रदर कहा जाता है भाई को, और सिस्टर कहा जाता है बहन को। ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश देम एवरी डे। ब्रश करे, रोजाना ब्रश करे। फादर मदर, फादर भी करे, मदर भी करे, ब्रदर भी करे, और सिस्टर भी करे। ओके, इसके बाद है कॉम 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 योर हेयर, कॉम इट एवरी डे। अपने बालों को रोज़ाना कंघी करें, ना सिर्फ खुद बल्कि फादर भी करें, मदर भी करें, ब्रदर भी करें, और सिस्टर भी करें। फिर कहा गया है वॉश 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 योर फेस, वॉश इट एवरी डे। रोज़ाना मुंह धोए, ना खुद बल्कि फादर भी धोए, मदर भी धोए, ब्रदर भी धोए, और सिस्टर भी धोए। वॉश इट एवरी डे, रोजाना फेस वॉश करें। ओके, नीचे स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी दी हुई है। हेयर इज अ पिक्चर ऑफ हिप्पोपोटामस। यहाँ एक हिप्पोपोटामस की पिक्चर दी हुई है और एक वर्ड लिखा गया है उसमें, हिप्पोपोटामस, एच आई डबल पी ओ POTAMUS, hippopotamus. Now, how many words can you make using letters from the word in the picture when has been done for you? Hippopotamus, इस words की मदद से आपको नए words बनाना है। Here is a word, hippopotamus, and you have to find out the words that are hidden in this word. P-O-T, pot. The first one is P-O-T, pot. Next word हम इसमें से find out कर सकते हैं P-O-P, pop. P-O-P, pop. Next word इसमें से बना सकते हैं H-I-P, hip. H-I-P, hip. Fourth word इसमें हो बना सकते हैं H I S, his. फोर्थ वर्ड इसमें बना सकते हैं H I S, his. फिफ्थ वर्ड हम इसमें से ले सकते हैं U S, us. U S, us. और लास्ट वर्ड इसमें हो सकता है H I T, hit. H I T, hit. ओके, नाउ यू कैन राइट डाउन दिस वर्ड्स in your textbook and also in your notebook. Now move on to the next page. Here is a question for you.
circle what you can carry in your school bag. Now write down the names of your things in the box below. यहाँ पर एक बैग की पिक्चर दी हुई है और इसके अतराफ में बहुत सारी चीज़ों के नेम दिए हुए हैं। आपको नीचे वाले बॉक्स में उन चीज़ों के नाम लिखना है जो आप स्कूल बैग में स्कूल ले जाते हो। तो फर्स्ट वन इज़, यहाँ बहुत सारी चीज़ों के नाम दिए हुए हैं, रूलर, शार्पनर, पेन, इरेजर, वाटर बॉटल, स्पेक्टस, टिफिन, पेंसिल, पेबल्स, टॉय, बुक्स, आइसक्रीम कोन। सो चिल्ड्रंस, इसमें से आपको बताना है कि आप स्कूल क्या क्या ले जा सकते हो। फर्स्ट वन इज रूलर, सर्कल द रूलर। सेकेंड वन इज शार्पनर, सर्कल द शार्पनर। थर्ड वन इज पेन, पेन भी आप स्कूल ले जा सकते हो, सो सर्कल द पेन। इरेजर, इरेजर को भी सर्कल करना है। वाटर बॉटल, वाटर बॉटल भी आप साथ ले जा सकते हो, वाटर बॉटल को सर्कल करना है। नेक्स्ट वन इज टिफिन, टिफिन को सर्कल करना है। पेंसिल, पेंसिल को सर्कल करना है। और बुक्स, बुक्स को सर्कल करना है। नीचे आपको बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स में आपको इन चीज़ों के नेम राइट करना है। रूलर, फर्स्ट वन इज रूलर, सेकेंड इज शार्पनर, थर्ड वन इज पेन, फोर्थ वन इज इरेजर, फिफ्थ इज वाटर बॉटल, सिक्स वन इज टिफिन, सेवन वन इज बुक्स एंड एट वन इज पेंसिल। ओके, यू हैव डन दिस एक्टिविटी, गुड। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 7। Here are some pictures. Let's see what we have to do. देखते हैं हमें क्या करना है। What are the children doing? Choose the correct word from the ribbon and then fill in the blank. यहाँ कुछ pictures दी हुई है ये, और इस ribbon की मदद से आपको वो word, correct word write करना है blank में। Look at the pictures. What are the children doing? Choose the correct word from the ribbon and fill in the blank. Okay? In first picture, the boy is eating something. I think eating breakfast. The first one is breakfast. वहाँ आपको लिखना है eating. लड़का नाश्ता कर रहा है, इसे हम कहेंगे eating breakfast. In second picture, लड़का साइकिल चला रहा है, तो इसे हम कहेंगे राइडिंग अ बाइसाइकिल, राइडिंग अ बाइसाइकिल। इन थर्ड पिक्चर, लड़का स्कूल जा रहा है, इसे हम कहेंगे गोइंग टू स्कूल। इन फोर्थ पिक्चर, दोस्तों के साथ टिफिन शेयर कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी आदत है, तो इसे कहेंगे शेयरिंग विथ फ्रेंड्स, इसे कहेंगे शेयरिंग विथ फ्रेंड्स। द नेक्स्ट वन इज क्लास में पढ़ाई कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे स्टडिंग इन क्लास। द लास्ट वन इज लड़का स्कूल से घर लौट रहा है, इसे हम कहेंगे रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। ओके, फर्स्ट में आपको लिखना है ईटिंग, सेकेंड में आपको लिखना है राइडिंग, फोर्थ में आपको लिखना है गोइंग, फिफ्थ में आपको लिखना है शेयरिंग, उसके बाद आपको लिखना है स्टडिंग, और लास्ट में आपको लिखना है रिटर्निंग। ओके, ओके स्टूडेंट, ऑन पेज नंबर 7 हियर आर सम कर्सिव अल्फाबेट्स फॉर राइटिंग प्रैक्टिस। This is your worksheet for practice. So, write it in neat and clean handwriting. Practice these words in neat and clean handwriting. On page number 7, here are some cursive words. Okay?
ओके चिल्ड्रेन, सी यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट।